अब हम वीडियो के सेगमेंट में आपको यूनिट नंबर एंड का काम करने का तो बताएंगे कॉपी की वर्किंग की वीडियो एक सेपरेट वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप लोग सबको सेंड कर दी गई है। काइंडली आप उसको मद्देनजर रखते हुए अपना इंग्लिश का काम मुकम्मल कीजिएगा जैसे कि उसमें बताया गया सबसे पहले सफेद में आपको अपना नाम लिखना है दूसरे में आपको टर्म का टाइटल पेज लगाना है फिर उसका सिलेबस पेश करना है फिर उसका आपको यूनिट नंबर थ्री टाइटल पेश करना है नेक्स्ट पेज में आपको सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स लिखना है एंड दोज डिफिकल्ट वर्ड्स आर माइनोस क्रीट वेंचर्ड इम्प्रेस्ड मुनार्क प्रोक्लेम्ड डिडेलस Diverse, Potter's wheel spatula cylindrical rig explore labyrinth winding expense lamenting gulls swooping galore parapet clest fledgling clog स प्लोमेन अपोलो क्यूपिट प्लियट ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इनकी आपको स्पेलिंग्स याद करनी है इनकी प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए इसलिए मैंने आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन बताई है इसकी स्पेलिंग्स आपको याद करनी है चैप्टर की रीडिंग में भी इन सारे वर्ड्स को हमने रीड किया था जब आप डिफिकल्ट वर्ड्स लिख लेंगे पेज पे देन सेकंड पेज पे वर्ड्स मीनिंग करनी है वर्ड्स मीनिंग आप लोगों के आने के लिए मीनिंग्स इन इंग्लिश एंड मीनिंग्स इन उर्दू दोनों ली हुई है तो जो पहला वर्ड है वो है रिस्की, उर्दू में मतलब होता है जोखम सेकेंड वर्ड है मुनार्क किंग बादशाह डाइवर्स रीड किस्म किस्म के नंबर फोर्थ लेबर मेज भूल भुलैया नंबर फिफ्थ एक्स लेमेंट एक्सप्रेस रिग्रेट अफसोस का इजहार एक्सपेंस अवाइड एरिया वसत गैलोर Aplenty, bohot, fledgling, a young bird that has developed feathers, Noxious, parapet, a low wall along the edge of roof or balcony, mundir, perilous, dangerous, khatarnak, अपोलो क्यूपिड अपोलो जो है वो ग्रीक गॉड ऑफ सन है जो फ्लाई भी करता है क्यूपिड ग्रीक गॉड ऑफ लव है जिसके विंग्स होते हैं वो भी फ्लाई करता है यह आपके वर्ड्स मीनिंग है वैन के मतलब जोखम मुनार का मतलब बादशाह डाइवर्स किस्म किस्म के लेबरिंथ भूल भुलइया Lament, अफसोस का इजहार एक्सपेंस वो जो छोटी बर्ड्स जो अभी अभी जिनके फैदर्स पर निकलते हैं उड़ने की कोशिशों में लगते हैं उन्हें फ्लैजलिंग कहते हैं पेरापेड मुंडेर को कहते हैं Perilous का मतलब खतरनाक है आपको एग्जाम में वर्ड्स दिया हुआ होगा आपको इंग्लिश मीनिंग्स और उर्दू मीनिंग्स दोनों लिखने होंगे ये आप नेक्स्ट पेज में काम कर लेंगे जिस पेज में अगर एक पेज में आता है तो सही है नहीं आता है, तो दो पेज में आएगा तो उस पेज में काम करेंगे फिर नेक्स्ट न्यू पेज से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर वन वाई डिड द ग्रीक्स एडमायर किंग माइनस ग्रीक अपने किंग माइनस को क्यों पसंद करते थे क्योंकि वो जस्ट और यानी वो एक ईमानदार और अक्लमंद बादशाह था किंग माइनोस वॉज एडमायफ हिस विजम अकलमंदी एंड फेयरनेस उसकी अदल की वजह से उसकी अकलमंदी और अदल की वजह से उसको पसंद किया जाता है किंग माइनोस वॉज एडमायर्ड बिकॉज ऑफ हिस विजडम एंड फेयरनेस क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्लेन हाउ डिटेल वॉज इन्वेंटिव आप ये बताइए कि डिटेल्स को हम कहते हैं बहुत ज़्यादा इन्वेंटिव था डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाता था इन्वेंशन करता था कैसे करता था हमें एग्जाम्पल हमें बुक में दी है वो एग्जाम्पल हमारी सबसे पहले तो उन्होंने पॉटर्स व्हील की दी हुई है सौ की दी हुई है और जैसे जैसे हमारी स्टोरी की प्रोग्रेस होती है हमें पता चलता है कि वो फिर उसने विंग्स बनाई थी उड़ने के लिए तो इसको हम लिखेंगे सर डिटेल्स इन्वेंटेड मैनी यूजफुल थिंग्स लाइक पॉटर्स व्हील सौ And and eventually he he made wings to to escape from his prison. Question number three, what was the task that King Minos gave to and how did he excel himself? ने माइन को दिया था और किस तरह डिडेल ने अपने आप को उसमें सुरखुरु साबित किया था क्या काम था किंग make a labyrinth फ्रॉम विच नो मैन could escape. ही सेल्फ हिमसट बाई बिल्डिंग द लेब किंग माइनस ने डिडेल को एक भूल भुलैया बनाने को कहा जिससे कोई भी इंसान ना बाहर निकल सके और डिडेलस ने अपने आप को सुरखुरु किया ऐसे भूल भुलैया बना के नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर वाई वॉज द किंग नॉट प्लीज बाई डिडेल बादशाह डिडेलस से क्यों खुश नहीं था क्यों नहीं था द किंग वॉन्टेड डिडेलस टू फेल इन बिल्डिंग द लेब्रिन बादशाह दिल से चाहता था कि डिडेलस वो भूल भुलैया बनाने में कामयाब ना हो लेकिन डिडेलस सक्सेसफुली बिल्ट एन अनस्केपेबल लेब्रिन दैट्स वाई किंग वॉज नॉट प्लीज जबकि डिडेलस ने पूरी कामयाबी के साथ ऐसी भूल बना लिया इस वजह से

और उसको यह डर भी था कि कहीं डिडेलस उसकी बादशाही को चैलेंज ना कर दे इसलिए उसने इन दोनों को डिडेलस और इक्रिस को कैद कर दिया क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ डिड डिडालस एंड बाइंड फ़ाइंडर्स टूगेदर किस तरह डिडेलस और इक्रिस ने वो जो पढ़ थे उनको जोड़ा आपस में किस तरह जोड़ा था दो चीजों से जोड़ा था

तंबी की थी क्यों तंबी की थी क्यों तंबी की थी 리डेलस क्वेश्चन इज सन अबाउट द डेंजर्स दैट माइट बिसेट देम ऑन देयर फ्लाइट इन होप दैट इकारस वुड नॉट फ्लाई टू हाई और टू लो क्योंकि उसको पता था उनकी जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है इसलिए उसने अपने बेटे को तंबी की ताकि ऐसा ना हो कि वो बहुत ऊपर या बहुत नीचे अपनी उड़े क्वेश्चन नंबर एट वाई डू यू थिंक वॉट डू यू थिंक हैपन टू इक्रेस इन द एंड एंड वाई डिड इट हैपन आपको क्या लगता है कि इक्रेस के साथ आखिर में क्या हुआ और क्यों हुआ आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इक्रेस जो है वो दरिया में सॉरी समंदर में डूब के मर गया He met his side end because he did not obey his father. और उसका नतीजा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अपने फादर का कहना नहीं माना था यहां पर आपको एक बात समझ में आई बड़ों का कहना मानने की क्या इंपॉर्टेंस होती है आप जब क्वेश्चन आंसर आपका खत्म हो जाएगा तो फिर आप नेक्स्ट पेज से रेफरेंस टू करेंगे रेफरेंस टू होता क्या है है कि उसमें आपको जो आपकी स्टोरी से कुछ लाइन दे दी जाती है और उसके मुताबिक दो या तीन सवाल हैं यहाँ पर आपको पहली लाइन दी गई है नंबर वन पे जो लिखा है इट मस्ट बी सो क्लेवरली डिजाइन दैट ओनली दो द सीक्रेट मे गेट आउट ऑफ इट इन्होंने एक लाइन दे दी आपकी बुक चैप्टर से ली गई है और उसके बारे में सवाल पूछा हु सेज दिस वर्ड एंड टू सेम किसने ये अल्फाज कहे और किससे कहे किसने कहा था किंग माइनोस ने कहा था और डिडेल से कहा था किंग व्हाट इज व्हाट इज द स्पीकर रेफरिंग टू यानी इसके कहने वाला किस चीज को रेफर कर रहा था द लेबरिथ वो भूल भलिया जो उसने डिडेल्स को बनाने को कहा था ये लाइंस इट मस्ट बी सो क्लेवरली डिजाइन यानी लेबर मस्ट बी सो क्लेवरली डिजाइन दैट ओनली दोस हु नो द सीक्रेट मे गेट आउट ऑफ इट फिर ये पूछे हैं कि जो उसने काम उसको दिया था इज दिस फीचर कंस्ट्रक्टेड क्या वो बना दिया गया था यस yes. रिडेलस ने ऐसी बना दी थी सेकेंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है विद दिस एंड विद थ्रेड्स प्लक्ड केयरफुली फ्रॉम एन ओल्ड ब्लैंकेट

वॉट इज ही मेकिंग यानी वो क्या बना रहा था विंग्स फॉर हिमसेल्फ एंड सन वो पंख बना रहा था अपने और अपने बेटे के लिए वॉट इज रेफर टू इन दिस से क्या मतलब है विध दिस एंड प्लक्ली फ्रॉम एन ओल्ड ब्लैंकेट वो विद क्या था वो नीडल थी जो अपने वो ट्यूनिक के अंदर हमेशा यानी अपनी कमीज के अंदर वो छुपा के रखता था द नीडलिक यानी वो नीडल जो अपने कमीज में हमेशा रखता था उससे और थ्रेड्स यानी धागा जो उन्होंने अपनी कंबल से निकाला था इससे उसने बड़े बड़े को आपस में जोड़ना शुरू किया था ये आपके दोनों रेफरेंस हो गए वन और टू आखिरी क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर का है आपकी बुक बुकिंग है चूज द बेस्ट यानी चूज द करेक्ट वर्ड है बेसिकली सेंटेंस है रिस्पॉन्स है पहला इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा किंग माइनोस टर्न अगेंस्टल बिकॉज किंग माइनोज डेडेलिस के खिलाफ क्यों हो गया था इन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हुए नंबर एक डिडेल वॉज एन इन्वेंटर क्योंकि इन्वेंटर था नंबर सेकेंड दिन वॉज टू कॉम्प्लिकेट यानी वो जो भूल भी नहीं थे वो बहुत ज़्यादा ही कुछ कॉम्प्लीकेटड थी या डिडेलस वो सक्सेसफुल या डिडेलस ने अपना काम पूरी कामयाबी के साथ कर लिया था तो इसका जो आंसर है वो है सी बिकॉज डिडेलस वॉज सक्सेसफुल आइडिया टू बिल्बिंग्रॉम अब किसने ये आइडिया दिया था कि हम ऐसे पंख बनाए किसने दिया था डिडेल ने दिया था गार्ड ने दिया था ने, गर्ल्स ने दिया था यह आइडिया डिडेलस बॉर्न इक्रेस नॉट टू फ्लाई टू हाई डिडेल ने इक्रेस तो तो को मना किया था कि बहुत ऊंचाई पे मत उड़ना क्यों ही वुड गेट लॉस्ट इन दिस्ट विंग्स वुड गेट क्लॉक्ट या दुड मेल्ट क्योंकि पिघल सकती थी इसलिए उसने मना किया था यह आपका आखिरी क्वेश्चन है जो आपको अपनी कॉपी में करना है ये आपका चैप्टर खत्म हो गया आपको इसका काम एक दफा मैंने आपको इस तरह प्रेजेंटेशन में पूरा समझा दिया आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा या बल्कि मिल चुका होगा तो आप पीडीएफ से देख के अपनी कॉपी में बिल्कुल नीटली ये काम कर लीजिएगा आप लोग क्लास सिक्स में तो क्लास सिक्स में अगर आप चाहें तो आप इंग्लिश लाइन्स के बजाय उर्दू लाइन्स वाली कॉपी में भी काम कर सकते हैं क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखा जाएगा आंसर ब्लू पेन से लिखा जाएगा काइंड इस बात को नोट डाउन किया जाए कि क्वेश्चन ब्लू पेन से ब्लैक पेन से लिखा जाएगा और आंसर ब्लू पेन से लिखा जाएगा ओवर राइटिंग नहीं होगी अगर कहीं कुछ गलती हो जाती है ब्लैक में तो आप लोग इसको पॉइंट आप लोग व्हाइट इस्तेमाल करेंगे और अगर ब्लूइंग पेन में कहीं गलती हो जाती है तो आप रिमूवर इस्तेमाल करेंगे पॉइंटर बॉल पेन का इस्तेमाल हरगिज़ ना कीजिएगा आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अंटिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ थैंक यू अल्लाह हाफिज